मैं 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, तुम अपना ध्यान रखना। ध्यान से जाना है। ठीक है। और पहुँच के कॉल कर देना मुझे। छोटे तू भाभी का ध्यान रखना अपना। हाँ भैया। और माही सर के साथ जा रहे हो, सर का ध्यान रखना, ठीक है? अच्छे से काम करना, ठीक है? बाय। इसे क्या पता भाभी, आपने इसके कपड़े में जीपीएस लगा दिया। सही कहा है देवा जी, अब मुझे पता चलेगा ये ऑफिस के काम से जा रहा है या 10 दिनों के लिए अपने क्लाइंट के साथ रातें रंगीन करने। हाँ भाभी, चलो अब हम दोनों इसका पीछा करते हैं। देखा, मैंने अपनी बीवी को कैसे बेवकूफ बनाया, और उसे क्या पता कि मैं कोई ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ 10 दिनों के लिए रातें हसीन करने जा रहा हूँ। हाँ बेबी, आपने सही कहा, हम दोनों खूब मजे करेंगे और 10 दिन तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। अरे भाभी, ये लोकेशन तो विश्व बंगला का दिखा रहा है, पर भैया का ऑफिस तो सेक्टर 5 में है। हाँ देवर जी, इसका मतलब मेरा शक सही निकला, वो दोनों कहीं और जा रहे, मुझे तो शक पहले से ही था। चलो आज रंगे हाथ पकड़ेंगे दोनों को। हाँ भाभी। बेबी मुझे भूख लगी है, चलो ना कुछ खा लेते हैं होटल जाने से पहले, क्योंकि होटल जाने के बाद मन नहीं करेगा कुछ खाने के। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ समझ गया। ठीक है चलो कुछ खा लेते हैं। ये सब तुम होटल जाने के बाद कर लेना, अब तुम खाना ऑर्डर कर लो, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। अरे भाभी, अभी विश्व बंगला का लोकेशन दिखा रहा था, अब किसी पार्क का दिखा रहा है। पार्क कहाँ है? ये रहा स्मार्ट प्लाजा, इसके अंदर है शायद। हाँ भाभी चलो। भैया जरूर इसी पार्क में होगा। वो देखते हो? हाँ भाभी, आपने जो बोला था वह सच सही निकला। चलो आज से इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगा। एक सेकंड, मैं एक वीडियो कर लेती हूँ। हाँ भाभी। अगर वो झूठ बोलेंगे ना, मैं उनको प्रूफ दे दूंगी। चलो। अरे आप दोनों इधर क्या कर रहे थे? आप दोनों तो ऑफिस के काम से बाहर जाने वाले थे ना? अरे वो एक क्लाइंट आने वाली है ना, तो उसी का हम लोग वेट कर रहे थे। अच्छा समझी भाभी, भैया का और एक क्लाइंट आने वाली है। एक से काम नहीं चलता ना आपका? तो तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और तुम अपने सर के इतना करीब होके बैठती हो? अरे मैडम आप ये क्या बोल रही हो, आप जैसे समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर ये क्या है? ये कोई एडिटिंग वीडियो है, किसी ने गलत सलत वीडियो बना के भेजा है तुम्हें। ये वीडियो किसी ने नहीं भेजा, ये वीडियो हम दोनों ने किया है। और एक चीज, तुम्हें शायद ये सोच में पड़ गए हो कि हम दोनों इधर कैसे आए, तो तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग बता दें कि हम लोग तुम्हारे रखेल के ड्रेस पे जीपीएस लगा दिया था, और इसी जीपीएस का मदद से भाभी ने आपको रंगे हाथ पकड़ा। तुम मेरी बातों का यकीन करो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। बस, और आपको शर्म नहीं आई अपने असिस्टेंट के साथ ये सब करते हुए? छी भैया, मुझे ये आपसे उम्मीद नहीं था आप भाभी को इस तरीका से धोखा दोगे। अरे भाभी आपको क्या चीज का कमी दिया था जो आप भाभी का साथ ऐसा किया? छी, मुझे तो आपको अपना भाई बोलने पर शर्म आ रहा है। और आपने जो किया उसका सजा तो आपको जरूर मिलेगी। अभी मेरे पास उसका प्रूफ भी है और गवाह भी है, तो आपका प्रॉपर्टी का 50% अब मुझे मिल जाएगा, और 50% मुझे मिल जाएगा, और आपका घर भी शायद हमें ही मिल जाएगा, और तुम्हें मुबारक अपना बेकार बॉयफ्रेंड। चलिए देवर। कुसुम मुझे माफ कर दो एक बार, बस एक मौका दे दो कुसुम।